सिंहगढ़ एक प्राचीन पहाड़ी किला है जो भारत के पुणे शहर से लगभग 49 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। पहले कोंधाना के नाम से जाने जाने वाला यह किला कई लड़ाइयों का स्थल रहा है, जिनमें सबसे खास है 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई। यह किला महाराष्ट्र की प्रसिद्ध किलाओं में से एक है, जिसमें तानाजी मालुसरे के एक महान इतिहास छिपा है। कभी इस किला को तानाजी मालुसरे और उनके भाई ने कब्जा कर लिए थे। इस किला के निर्माण कुछ इस प्रकार का हुआ था कि यह किला किसी भी शत्रु को आसानी से चकमा दे सकता था, इसलिए तो किला लगातार चर्चा का विषय हुआ करता था। किला में प्रवेश करने के लिए दो दरवाजा है, एक है कल्याण दरवाजा जो कि दक्षिण पूर्व की ओर है और दूसरी है पुणे दरवाजा जो कि उत्तर पूर्व की ओर है। इस किला को मराठा साम्राज्य के केंद्र किला भी कहा जाता था, क्योंकि यह किला अगल बगल की कई किलाओं से घिरा हुआ था। सिंहगढ़ के किला से राजगढ़, पुरंदर और तोरण किला को देखा जा सकता है। सिंहगढ़ किला सह्याद्री पर्वत में भुलेश्वर पर्वत श्रृंखला के एक अलग चट्टान पर स्थित है, जो कि जमीन से लगभग 760 मीटर ऊपर और समुद्र तल से 1312 मीटर ऊपर स्थित है। माना जाता है कि इस किला को 2000 साल पहले बनाया गया होगा और जिसका प्रमाण है कौंदिनेश्वर मंदिर की गुफाएं। इसके अलावा किले पर गोंडवाना राज्य का प्रतीक भी है। किला के मुख्य दरवाजे के सामने सिंह और हाथी का साथ साथ मछली का भी चिन्ह है। किला में तानाजी के स्मारक के साथ साथ राजा राम प्रथम के भी कब्र है। किला के अंदर देवी काली का मंदिर है और साथ साथ मंदिर के दाएं ओर एक हनुमान प्रतिमा भी देखा जा सकता है। सिंहगढ़ किला को दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1340 में कोली सरदार नागनायक से छीन लिए थे। इसके बाद यह बहमनी सुल्तान के हिस्से में चला गया था। बाद में किला 1485 में अहमदनगर के निजाम के हिस्से में जाता है और आखिर में निजाम के पतन के बाद 1500 की दशक के शुरुआत में यह आदिल शाह के नियंत्रण में जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के कमांडर के रूप में शाहजी भोंसले को पुणे क्षेत्र का नियंत्रण सौंपा गया था, परंतु उनका पुत्र महाराज शिवाजी ने स्वराज्य का मांग कर रहे थे। हालांकि शिवाजी महाराज आदिल शाही को स्वीकार नहीं किए, सिंहगढ़ किला को नियंत्रण करने वाले आदिल शाही सरदार सिद्धि अंबर को मना के कोंडाना पर नियंत्रण हासिल कर लिए थे और इस प्रकार की गतिविधि में बापूजी मुद्गल देशपांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आदिल शाह ने इस तरह की देशद्रोही कार्य के लिए सिद्धि अंबर को जेल में डाल देते हैं और सिंहगढ़ किला को वापस पाने का योजना बनाते हैं। आदिल शाह ने महाराज शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को झूठी अपराध के लिए किला कैद कर लेते हैं और इस खबर को महाराज शिवाजी को भी सूचित कर देते हैं। आदिल शाह का एक शर्त था, अगर महाराज शिवाजी सिंहगढ़ किला को छोड़ देते हैं तो आदिल शाह भी उनके पिता को भी छोड़ देंगे। बाद में 1649 में आदिल शाह ने शाहजी भोंसले को रिहा कर देते हैं और दोबारा फिर से महाराज शिवाजी ने 1656 में सिंहगढ़ किला को जीतने के लिए बापूजी मुद्गल देशपांडे का सहायता लेते हैं और पहले की तरह महाराज शिवाजी ने किले की कमांडो को कुछ जमीन देते हैं और वापस में किले पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद मुगलों ने 1662, 1663 और 1665 में हमला करते हैं, परंतु तीनों बार मुगलों ने नाकाम रहे। 1664 में और एक मुगल सेनापति सहिस्ता खान ने लोगों को रिश्वत देकर किला को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो भी नाकाम रहते हैं। आखिरकार 1665 में पुरंदर की युद्ध में किला मुगल के हाथ चला जाता है। 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ की लड़ाई में अपनी कोली सूबेदार तानाजी मालुसरे के माध्यम से सिंहगढ़ किला को तीसरी बार जीत लेते हैं और किला लगभग 1689 तक मराठा शासन के अधीन रहता है। कुछ साल बाद किला को कब्जा करने के लिए मराठा और मुगलों के बीच फिर से जंग छिड़ जाता है और तभी उदयभान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मुगल सेना बनाम तानाजी की नेतृत्व वाली मराठा सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में तानाजी मालुसरे की जान चली जाती है, लेकिन उनकी भाई सूर्याजी ने लड़ाई जारी रखते हैं और आखिरकार सिंहगढ़ किला पर कब्जा कर लेते हैं। तानाजी के मृत्यु के बारे में सुनकर शिवाजी महाराज ने कुछ इस प्रकार का कहते हैं, गद आला पन सिन गेला, जिसका मतलब था किला तो जीत लिया गया लेकिन शेर खो गया। उसी बीच महाराज शिवाजी भी जा चुके थे और उनकी बेटा संभाजी मराठा सेना की शासन भार संभाल रहे थे। कुछ साल बाद संभाजी के भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मुगल सेना ने फिर से किले पर आक्रमण करते हैं और किला को कब्जा कर लेते हैं। बाद में सरदार बलकवाड़े के नेतृत्व में 1693 में किला पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। 1700 में राजाराम प्रथम ने सतारा पर मुगल हमला के दौरान इस किला में शरण लिए थे और आगे चलते इस किला में उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
फिर 1703 में औरंगजेब ने किला पर कब्जा कर लेते हैं और एक बार फिर किला मुगल के पास चले जाता है। 1706 में संगोला की युद्ध में मुगलों ने किला को हार जाते हैं और ये वापस मराठा शासन के हाथ में चले जाता है। संगोला की इस लड़ाई में पानाजी शिवादेव, भिसाजी छाप्पर और पंत सचिव शंकर नारायण के महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और सिंहगढ़ किला 1817 तक मराठाओं के शासन के अधीन रहा। 1817 की तीसरी अंग्लो मराठा युद्ध की अंत में यह किला ब्रिटिश हाथों में चला गया। सिंहगढ़ किला भी भारत की स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वाधीनता संग्रामी बाल गंगाधर तिलक ने इस किला की उपयोग ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में किए थे। इतना ही नहीं, यह किला पर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद बाल गंगाधर तिलक से ऐतिहासिक मुलाकात भी किए थे। इस वीडियो में दिया गया किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर किसी भी प्रकार का सूचना अगर गलत है तो मैं क्षमा चाहूंगा। आशा करता हूँ बाकी वीडियो की तरह ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।